मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। और आज मेरे, अरे देखो पीछे भाई कौन आ गया, बोलने भी नहीं है क्या? गाइज हमने दीदी का बैग ले लिया, प्लीज आप उसको बोलो। सुबह सुबह भिखारी, 6 बजे भिखारी बनी हुई है, क्या करना है इसका? मैं लेना अपना ले, तेरे पास नहीं है वो? है बट ये लेके जाना है मैंने, चलो बैंडेड मेरे काम आ जाएंगे। आज मुला निकल रहा है इसके पर्स में से। आज मुला 2 साल का पड़ा हुआ। अब मैं बताती हूँ इसके पर्स से क्या क्या निकल रहा है। खाली बॉटल जिसको हम सूट देंगे। ये 2 साल पहले मैंने सामान डाला, उसके बाद किया ही नहीं। ये जो तुमने, गाइस ये इतनी कमीनी बहन है, रब इसको कभी नहीं कुत्ते को दिया था मुझे। और ये तो तू ले ले, मैंने इसको गाइस ये शर्ट दी थी कुखो की तरह, और एक दिन इसने ये नकली मेरी अलमारी में छोड़ा। मैं बिना लाइट ऑन के अपनी अलमारी खोल रही हूँ। आपको बताइए ऐसे किस किस को डराया यार इसको। और मैं डर के सीधा बेड पे, वाओ। इनको इनको रहने दे रहा, इनको रहने दे यार, अंदर रखना। नहीं हाँ मैं बता रही यार, असली लगते हैं ना ये देखो गाइस, ये देखो टोमेटो सॉस, ये भिखारियों की तरह रेस्टोरेंट से उठा के ले आती है माए। सीरियसली मैं उठा लेती हूँ यार, जहाँ पे मोमोज वगैरह मिलते हैं और टोमेटो सॉस मिलते हैं ना, वहाँ पे मैं टोमेटो सॉस मोमोज के साथ नहीं खाती। मैं उठाती हूँ बैग में डाल लेती हूँ, पिज्जा के साथ भी मिलेगा वो भी बैग में। ये क्या लैकमे, लैकमे मेरी लिपस्टिक है, नायका की, मैक की, मैक की लिपस्टिक है, ब्रांड है यार ये, कहाँ से मिल रही है गाइस? ये सॉफ्ट क्रीम में जा जा जी ले आ जा अपनी जिंदगी। आज हम घूमने जा रहे हैं, जा 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 घूम मजे मार। चलो यार मेरी बहन तो चली गई, अब अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस आज मैं सुबह सुबह 5:30 बजे ही उठ गई हूँ, अभी टाइम हो रहा होगा 6 बज रहे हैं। तो आज यार मौसम देख लो यार, रात की बारिश पड़ी हुई है, ये देखो मौसम कितना अच्छा है यार। और वो देखो हमारे, ये सबको पता ही होगा कि ये चीज़ क्या है, छत पर रखी हुई थी, अब लेके नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर तो जंगल भी उग गया है, ये देखो वो दिखाती हूँ। ये गाय के लिए लाया था, हमारे खुद के खेत वगैरह हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, ये बच गया है शायद। और ये देखो यहाँ पे जंगल उग रहा है भाई, ये देखो पेड़ पौधे उगने लगे हुए हैं यहाँ पे। तो चलो सोचा यार जो बात वगैरह हो रही है उन सबको भूल जाते हैं, उन सबकी साइड क्या ही ध्यान देना है, लोग जो मर्जी करे यार, बाढ़ में जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं अपने काम पर ध्यान देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि रेगुलर व्लॉग बनाते हैं, दिखाते हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग में सारे क्या कर रहे हैं। और आज मैं 5:30 बजे उठ गई हूँ, सीरियसली मेरे से उठा नहीं जाता था यार। तो चलो अब पापा के पास चलते हैं नीचे, पापा और शिवाय कर क्या रहे हैं, और मम्मा को भी दिखाते हैं। मम्मा आई थिंक किचन में खाना बना रहे होंगे, और मेरी बहन, पता नहीं बहन तो उठ गई है अभी, होके गई हूँ यहाँ से, भूल गया मुझे। तो चलो चलते हैं फिर, सुबह सुबह चाय पीते हुए। पी नहीं वाला भी अभी पी ये, और ये मेरी मम्मी मनी, तुम के कर आई हो? मैं सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ गाइस, मन कर रहा था मेरा। सबको प्यार मिलता है, और ये हमारे घर की जम है जिसको गाली हुई। पहले आने व्लॉग शुरू है ना, चांट हमारे दो मार ला। तो चलो यार मम्मी खाना बना रही है, हम नीचे चलते हैं, पापा और शिवाय को दिखाते हैं। गाइस ये देखो कितना अच्छा मौसम, और ये मेरा भाई ऊपर आ रहा है। ओए गुड मॉर्निंग, वो आज तो बोलते बेइज्जती नहीं करवाना। मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। और वो देखो छोटा ने डॉग को लेके जा रहा है, और ये मेरे पापा रखो रुक यार, गाय का काम कर रहे थे। निकाल लिया दूध, हेलो कर दो, निकाल लिया, हेलो कर दो। मैं खुद अभी उठी हूँ, मैंने ना ब्रश किया ना मुंह धोया। ओ ओ ओ पकड़ के रख, पकड़ के हाय करेगा? नहीं यार काटेगा, काटेगा नहीं, इससे डर, ये चिल्लाता बड़ा यार, डर लगता है। ऐसे करना है आदत ने ना यार इसकी। अरे मैं भी इस घर की मेंबर हूँ यार, मेरे पे नहीं पड़ना खाने को, ठीक है? ब्लॉक कब डालेगी यार इसको, इस बंदे को बड़ी जल्दी होती है, ब्लॉक कब डालेगी? पहले वाला देखा तेरे लिए कमेंट आया था, वो क्यूट सा बच्चा कौन है, उसको लाओ ब्लॉग में। तूने तो आज गुड मॉर्निंग ही नहीं बोला अच्छे से। गुड मॉर्निंग बस ए, मैं नीचे गाय को दिखाने आ रही थी, लेकिन मेरे भाई ने और पापा ने काम ही खत्म कर दिया। ये है यार खाना खा रही है अपना, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। चलो
ये हमारा मंदिर है जय माता दी। कहाँ कहाँ जा रहे दोनों घुमाने? तो मैं हो चुकी हूँ फ्रेश, तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि मेरी मम्मी पहले ही चली गई है। वो बोल रहे थे कि जल्दी से जब फ्रेश हो जाएगी तो तू भी आ जाना। तो चलो अब चलते हैं मंदिर। आज वैसे भी सैटरडे है तो शनि के मंदिर जाना पड़ेगा, कुछ लोगों को पता होगा। तो चलो चलते हैं, और ये ना हो कि वहाँ से मेरी मम्मी वापस आ रही हो और मैं जा रही हूँ, मम्मी वहीं पर होनी चाहिए। तो चलो जल्दी से चलते हैं। सुबह सुबह कितना शांत होता है ना सब कुछ, देखो यार कुछ भी नहीं है वहाँ पे, पीछे भी सब शांत, मतलब बड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार मॉर्निंग में। काश मैं रोज़ सुबह ऐसे ही उठूँ और ऐसे ही व्लॉग बनाऊँ, बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। मौसम भी ऐसा ही रहना चाहिए, ठंडा ठंडा। मंदिर पहुँच चुकी हूँ, ये रहा मंदिर हमारे मोहल्ले का। तो चलो चलते हैं अंदर मम्मी के पास। वो रहे मम्मी पापा मेरे सामने, वो देखो पापा भी आए हैं, मुझे लगा सिर्फ मम्मी है। सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और हमारे घर का कुत्ता बोंगा लगा मुझे देख के। तो हमने सुबह मंदिर गए थे, जैसा कि आपको पता है। चुप हो जा, क्या बोलो। और बाहर भी काम लगा, आई थिंक आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो मैं बस इतना सा बता दूं आपको। मेरा ना अभी शूट है, लोकेशन पास में ही है आपको, आई थिंक वो लोकेशन मैंने पहले भी दिखाई है। तो चलो जल्दी से चलते हैं, मेरा भाई बाहर ऑलरेडी रेडी है, देखो स्कूटी लेके वेट कर रहा है। चलो चलते हैं वही लोकेशन पर। गाइस मुझे मेरे भाई ने छोड़ दिया है बेचारा, बहुत ही डर के आया। उसको मैंने बोला बड़े में पप्पू छोड़ के आ, तो अभी 18 प्लस भी नहीं है, तो वो डर रहा था कि कहीं पुलिस वाले ना पकड़ने, ना लाइसेंस है मेरे पास ना हेलमेट है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ निस्ट, जैसा कि आप देख सकते हो। तो चलो अंदर चलते हैं अब, और मैम के साथ में मिलते हैं जल्दी से। और नेल पेंट बोलूँ तो गाइस मेरे नेल एक्सटेंशंस लग चुके हैं, नेल्स तो हो चुके हैं। तो अभी शूट का सेटअप रेडी हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। और ये रहे हमारे प्रेरणा मैम। मैम शर्मा रहे हो यार इस बार, पहले तो आप अच्छे से आ गए थे। हाँ कौन सी टेंशन कि बोर्ड कहाँ जाएगा, कौन सा? अच्छा वो ट्रांजिशन वाला, नहीं नहीं वो नहीं जाएगा। तो चलो अभी ड्रेस चेंज कर लेते हैं। मेरा मेकअप हो चुका है, तो गाइज मैं कैसी लग रही हूँ, और ये नेल एक्सटेंशंस के साथ हेयर एक्सटेंशंस भी करवा दिए, और क्योंकि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। काश मेरे इतने लंबे बाल होते यार, है ना, लेकिन नहीं है। तो चलो अब शूट करवाते हैं, शूट के बाद मिलते हैं। एक्सटेंशंस जो कि हेयर एक्सटेंशन, ये भी अभी रिमूव करने हैं। तो इसके बाद फिर चलते हैं घर, और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो बस मैं चाहती हूँ मेरे साथ ना लड़कियाँ ज़्यादा कनेक्ट हो जाएं, जो कि लड़कियों को ये देखना पसंद भी आएगा। तो चलो जल्दी से अब मेकअप रिमूव करते हैं और घर के लिए निकलते हैं। A few minutes later. मेकअप रिमूव हो चुका है और मैं पहले वाले रूप में आ चुकी हूँ। तो चलो निकलते हैं अब घर के लिए, और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, चलो रास्ते में कुछ खा लेते हैं। मैं नान वाली शॉप पे पहुँच चुकी हूँ, जो कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे यार, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। प्लेट तो रख दी, अब नान पता नहीं कब आएगा। तो चलो जल्दी से नान खाते हैं, फिर सीधे मैं ना घर जाके ट्रैक मिलती हूँ, मेरी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सो ठीक है गाइस, खा के मिलती हूँ मैं। One hour later. फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ, और आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ गाइस, क्योंकि आज का जो शूट था ना वो काफ़ी थका देने वाला था। लाइट्स, कैमरा, फ़ोटोज़, वीडियोज़ यहाँ वहाँ, और सबसे ज़्यादा हैवी होता है जो हेयर स्टाइल होता है ना, उसमें इतनी ज़्यादा पिन घुसा देते हैं यार, सिर इतना भारी हो जाता है ना। मेरे को ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या मेरे सिर के ऊपर ऐसे रख दिया कि मैं बस अभी गिर जाऊँगी। जैसे मेरा हेयर स्टाइल ओपन हुआ ना, मेरे को सांस आई यार, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ।
आपको मेरी शक्ल सही दिख रहा होगा। जो आज के शूट के जो फोटोज रील्स वगैरह होंगे वो आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जल्दी ही मिल जाएंगे, और जो मेरे इंस्टा पे नहीं है वो जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर लो और मेरे बर्थडे तक 10K करवा दो प्लीज़। और मेरे यूट्यूब पे भी 7K कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे बर्थडे तक कंप्लीट हो जाए। ये ना मैं अपने बर्थडे का एक गिफ्ट समझूंगी छोटा सा, और ना अभी मैं जाके फ्रेश हो जाऊंगी, क्योंकि जो मेरा हेयर स्टाइल था ना पता नहीं कौन कौन स्प्रे वगैरह मारी हुई है, मेरे बाल ना चिपक गए हैं तो मुझे बड़ा ऐसे गंदा सा फील हो रहा है। अभी फ्रेश हो जाती हूँ और खुद को भी रेस्ट देती हूँ थोड़ी सी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में आपके साथ जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू अगेन गाइस।